नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सॉल्ट टू टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड रक्षाबंधन स्पेशल है और हम इसमें बनाएंगे दो बहुत ही झटपट बनने वाले लड्डू, चॉकलेट लड्डू और कोकोनट लड्डू। इन्हें बनाना इतना आसान है कि इन्हें बिगनर्स भी बना सकते हैं और ये बड़े से लेकर छोटे सबको बहुत ही पसंद आते हैं। हम पहले नारियल का लड्डू बनाएंगे। नारियल का लड्डू बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है जिसे हमने लो फ्लेम पे रखा है। इसमें हमने 1.5 टीस्पून देसी घी का डाला है। देसी घी गर्म होने पर हम इसमें 3 कप नारियल का बुरादा डालेंगे और उसको हल्का सा भून लेंगे। नारियल के बुरादे को हमें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, ना इसका कलर चेंज होने देना है, बस हल्का सा भून लेना है। हमने नारियल के बुरादे को 3 मिनट भून लिया है अब, और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। नारियल के बुरादे का और दूध का प्रपोर्शन हमेशा 3:1 ही होना चाहिए। अब जब तक दूध पूरा अच्छे तरीके से सूख नहीं जाता, तब तक हम अपने नारियल के बुरादे को चलाते रहेंगे। इसमें 2 से 3 मिनट लग सकता है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और दूध अच्छे से सूख गया है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। ये चीनी काफ़ी मीठा कर देगी लड्डू को, लेकिन अगर फिर भी आपको और मीठा पसंद हो तो आप थोड़ी सी चीनी और डाल लीजिएगा। अब हम चीनी के अच्छे से मेल्ट होने तक इसे चलाते रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि हम लड्डू अपना लो फ्लेम पे बनाएंगे। इसमें भी करीबन हमें 2 से 3 मिनट लग जाएगा। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो हम देखेंगे कि पैन के किनारे हल्का हल्का सा घी छूट रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, 1 चुटकी इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को भी पीस के डाल सकते हैं। हम फ्लेम स्विच ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब बुरादा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब हम एक प्लेट में थोड़ा सा नारियल का बुरादा लेंगे और अपने नारियल के पेस्ट का छोटा छोटा लड्डू बना लेंगे, जिस साइज़ का आपको पसंद हो, और फिर उसे बुरादे में रोल करेंगे और हमारा लड्डू तैयार हो जाएगा। हम ऐसे ही करके अपने सारे लड्डू तैयार करेंगे। हमारे नारियल के लड्डू को तैयार करने में लगभग 10 मिनट लगा है और हमारे सारे लड्डू तैयार भी हो गए हैं। ये इतने टेस्टी हैं कि जो इन्हें खाएगा वो बार बार मांगेगा। आइए अब हम देखते हैं चॉकलेट लड्डू बनाने की विधि। लड्डू बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें कोई भी बिस्किट डालेंगे। हमने यहाँ मैरीगोल्ड के 10 बिस्किट डाले हैं। आप चाहें तो पार्ले जी या कोई भी बिस्किट डाल सकते हैं। मैरीगोल्ड का स्वाद काफ़ी लाइट होता है, इसलिए उसमें चॉकलेट का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। हम इन्हें पीस के इन लोग का एक पाउडर बना लेंगे। अब हम अपने बिस्किट पाउडर को एक प्लेट में निकालेंगे और उसमें डालेंगे 2 स्पून कोको पाउडर के। अगर आपको अपने बिस्किट पाउडर में क्रम्स दिखाई दें तो उसे छान लीजिए ताकि हमारा लड्डू एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर पाए। हम डबल बॉइलिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा पानी चढ़ाया है और जब पानी गर्म हो गया तो हमने उसके ऊपर एक और पैन रखा है जिसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बटर का। इसमें हमने 120 ग्राम की मिल्क चॉकलेट को मेल्ट किया है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोवेव का यूज़ करना चाहें तो आप चॉकलेट को 5-5 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करिए और बीच में उसको निकाल के चलाते रहिए ताकि चॉकलेट आपकी जले ना। चॉकलेट अब हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब हम इसको अपने बिस्किट पाउडर पे डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका वीडियो हम पहले डाल चुके हैं।
कंडेंस मिल्क को आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं, पर अगर आप कंडेंस मिल्क घर में नहीं बनाना चाह रहे तो आप मार्केट का भी मिल्क मेड या किसी का भी कंडेंस मिल्क का डिब्बा ले सकते हैं। हमें इसका पूड़ी के आटे जितना टाइट डो बनाना है ताकि हमारा लड्डू अच्छे से बन सके। हमारा डो कुछ इस तरह दिखेगा। अब डो के लड्डू बनाने के लिए हमने अपने हाथ को ग्रीस किया है और छोटा छोटा डो लेके उसको गोल अच्छे से पेड़ा बना लिया है। इस पेड़े को हम लोग हल्का सा दबाएंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स भरेंगे। आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स इसमें भर सकते हैं और फिर इस पेड़े को हम अच्छे से गोल करके एक लड्डू के शेप में ले आएंगे और हमारा चॉकलेट लड्डू भी तैयार हो गया। हम इसी तरह से अपने सारे चॉकलेट लड्डू तैयार कर लेंगे। हमारे सारे चॉकलेट लड्डू अब तैयार हो गए हैं। अब हम बादाम की पतले पतले फ्लेक्स काटेंगे और अपने एक एक लड्डू के ऊपर चिपका देंगे और फिर हम अपने लड्डू को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, जिससे हमारे लड्डू का शेप एक अच्छे से टाइट हो जाए और फिर हमारा लड्डू एकदम खाने को तैयार है। ये दोनों ही लड्डू बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही झटपट ये दोनों तैयार हो जाते हैं। ये दोनों लड्डू बहुत ही टेस्टी हैं और आपके भाइयों को ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।